म्यूचुअल फंड निवेश को सबसे अच्छा माना जाता है। छोटे छोटे अमाउंट्स में आप इन्वेस्ट करके आसानी से अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। अब किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, कितना रिटर्न और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो भाई हमारे चैनल से आपको कई बार बताया गया है, लेकिन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सवाल तो आपके मन में भी आता ही होगा। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन अप्रोचेस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाम आता है परसेंटेज ऑफ इनकम अप्रोच का, जिसमें कॉमन रिकमेंडेशन होती है कि आप अपनी मंथली इनकम का 20% इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो इसका 20% हुआ कितना, 6,000 रुपीज। अब 6,000 के अमाउंट की या तो आप टोटल SIP कर दें या म्यूचुअल फंड से अर्न करें, या फिर आप इस अमाउंट को 2,000 के 3/5 में ब्रेक कर लें। 2,000 आप SIP में इन्वेस्ट करें। एंड ऑनेस्टली मेरा जो फेवरेट फंड है SIP के मामले वो है इंडेक्स फंड, और इस मामले में आप मोतीलाल ओसवाल नैसडैक 100 FOF स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड आपको 19.67% पर एनम का रिटर्न देता है, और तो और आप थीमेटिक फंड्स एंड ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अप्रोच के हिसाब से आपकी सेविंग्स और आपकी सैलरी एक प्रपोर्शन में काम कर रही है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे ही आप इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते भी जाएंगे। अगली अप्रोच है द गोल ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जितना आपको अपने गोल को पूरा करने में हेल्प करना होता है। अब गोल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आपकी सेविंग्स भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आज से 15 साल बाद आपको एक न्यू कार खरीदनी है, जिसके लिए आपको ज़रूरत है तकरीबन 50 लाख रुपये की। तो अगर आप एनुअली 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो आपको हर मंथ 10,500 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब सवाल उठता है कि ये 12% का रिटर्न कौन सी सेविंग स्कीम देती है, तो वो भी आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट है, रीट्स हैं, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, और तो और आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाकर बड़ी आसानी से 12% रिटर्न कमा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड अप्रोच है वो है बजटिंग की। ये अप्रोच लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से होती है। सबसे पहले तो आपको अपने नेसेसरी मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी होगी, लाइक रेंट, ग्रोसरी बिल्स, ट्रेवल अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपकी सैलरी का जितना भी अमाउंट उस खर्च के बाद बच जाता है उसका आपको 70% इन्वेस्ट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपये की, इसमें से लेट्स अज्यूम कि आपके मंथली एक्सपेंस होंगे अराउंड 20,000 के, तो आपके पास अभी भी 10,000 रुपये बचे हैं, जिसका 70% हो गया 7,000 रुपीज। अब इस 7,000 को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तो और इसमें एनुअली ग्रोथ आती जाएगी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इन तीनों में से जो अप्रोच आपको बजटिंग के लिए अच्छी लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी वाली पसंद आई ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हाँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।